तो इस तरीके की फ्लोरल केक बना के रेडी करना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो फ्रेंड्स। तो नमस्ते फ्रेंड्स, केम छो, मजा माँ। तो आज ना कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें फूल और पत्तियों से भरा हुआ ना केक चाहिए। तो ये केक मैंने कैसे बनाया उसके लिए ना वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये केक ना थी 1.5 kg की पाइनएप्पल फ्लेवर केक। तो इसके लिए ना मैंने पहले ही ना क्रम कोट करके ना इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ पे आपको फाइनलाइजिंग से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ना ये प्रोसेस आपको कई बार वीडियो में दिखा चुका हूँ, फिर भी आज मैं आपको फाइनलाइजिंग एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे क्रीम में ना पाइनएप्पल का इमल्शन ऐड किया था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हुआ हूँ, तो बैकग्राउंड में ना काफ़ी नॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा शायद, तो उसे ना आज के दिन के लिए अवॉइड कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। थोड़े दिन ना ऐसे ही आवाज़ आती रहेगी क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, बाहर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फाइनलाइजिंग कर रहा हूँ वही पाइनएप्पल इमल्शन वाले क्रीम से। तो मैं ना यहाँ पे पैलेट नाइफ की मदद से ना सब जगह पे ना क्रीम लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ ना जगह खाली है वहाँ पे। अब एक दो बार में ही मैं पैलेट नाइफ की मदद से ही ना इसे स्मज कर लूँगा उस क्रीम को। और यहाँ पे मैं प्लेइंग कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ इसकी स्मूदनिंग के लिए। तो बस प्लेइंग कार्ड की मदद से मैंने स्मूदनिंग कर ली है और अब यहाँ ना मैं कॉम्ब की मदद से ना साइड में डिज़ाइन बना रहा हूँ। आपको ना वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना कॉम की मदद से डिज़ाइन बनानी है। आप चाहो तो वेव वाली डिज़ाइन भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल ना कॉम वाली डिज़ाइन बना रहा हूँ। अब मैं ना छोटे पैलेट नाइफ की मदद से ना ऊपर की सारी एक्स्ट्रा क्रीम है ना उसे रिमूव कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं इस केक में ना ऊपर टॉप पे ना स्वर्ल वाली डिज़ाइन बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस केक में ना शार्प एजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वर्ल वाली डिज़ाइन में ना ज़्यादातर या आमतौर पर ना शार्प एजेस की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर आ जा रही है ना उसे क्लीन करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे ना मैं पैलेट नाइफ की मदद से ना वीडियो में दिखाए गए तरीके से ऊपर स्वर्ल वाली डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो बार बनाई है, पहली बार में उतनी खास फिनिशिंग नहीं आई थी, फिर दूसरी बार में अच्छी खासी फिनिशिंग आ गई है, फिर भी जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर आ जा रही है ना उसे मैं निकालते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो वो एक्स्ट्रा क्रीम रख सकते हो और उसे फॉल्ट लाइन की तरह ना केक में डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ना नूर की 11 नंबर की नोज़ल ली है, जिसे हम आमतौर पर छोटे रोज़ पेटल वाली नोज़ल से भी जानते हैं। तो हाँ, ये नूर 11 नंबर की नोज़ल है, इसमें मैंने ना पिंक कलर का क्रीम फिल किया है। आप चाहो तो कोई भी कॉम्बिनेशन का ना क्रीम फिल कर सकते हो येल्लो के साथ, पर मैंने यहाँ पे पिंक कलर का क्रीम फिल किया है। यहाँ पे ना मैं रोजेस बनाते हुए ना इस केक की साइड में ना रखते जा रहा हूँ वीडियो में दिखाए गए तरीके से। तो आगे ना अब मैं वॉइस ओवर की जगह पे म्यूज़िक ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे रोजेस बना रहा हूँ ना, वो सब के वीडियो में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं वॉइस ओवर नहीं म्यूज़िक ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में वापस से वॉइस ओवर करता हूँ। मैं एक्सप्लेन भी कर ही देता हूँ कि रोज़ बनाने के लिए ना आपको बड बनानी है सिंपल सी। पहले आपको बेस बनाना है वीडियो में दिखाए गए तरीके से, फिर बड बनाते हुए ना उल्टा यू बनाते हुए पेटल्स बनानी है बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से। पहले 3, फिर 5, फिर 7,
ऐसे करके ना लास्ट में आपको एक बड़ा सा राउंड घुमा देना है, ऐसे ना आपका रोज़ बन के रेडी हो जाएगा। मेरा उतना परफेक्शन से अभी भी नहीं बन रहा है क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं अच्छी तरीके से रोज़ नहीं बना पाता हूँ, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ना ग्रीन कलर की क्रीम फिल की है पाइपिंग बैग में और उसमें ना छोटा सा छेद किया है। अब आपको ना अनइवन सी डाली बनानी है इस फूल की, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं बनानी है कि सीधी स्ट्रेट ही बनानी है, नहीं, आप चाहो उस तरीके से ना इसकी डाली बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे पत्ती भी बना रहा हूँ, तो पत्ती बनाने के लिए ना मैंने उसी पाइपिंग बैग में ना वी कट दिया हुआ है। तो वी कट देते हुए ना मैं यहाँ पे हैंड को सेक करते हुए ना बाहर की तरफ पाइपिंग बैग को खींच रहा हूँ प्रेशर देते हुए, इससे ना आपकी बहुत बढ़िया सी पत्तियाँ बनके रेडी हो जाएगी। तो जैसे कि कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें बहुत सारे फूल और बहुत सारी पत्तियों वाली डिज़ाइन चाहिए थी, आप चाहो तो थोड़ी सी भी पत्ती बना सकते हो, बट यहाँ पे उनकी डिमांड के हिसाब से ना मैं ज़्यादा पत्ती बना रहा हूँ। तो आपको अगर लगता हो कि इतनी सारी पत्तियाँ अच्छी नहीं लगेगी तो आप कम पत्ती में भी ना क्रीम इस केक को बना सकते हो। बीच बीच पे जहाँ जगह बच रही है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पत्ती बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं पत्ती बना रहा हूँ। अब मैंने जो डालियाँ बनाई है ना, उससे डालियों में भी ना एक एक पत्ती बनाते जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्रीम बची हुई थी और डिज़ाइन ना मैं अपने मन से बना रहा था, उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि यही डिज़ाइन बनाइए, बस उन्होंने कहा था कि फूल और पत्तियाँ ना भर भर के यूज़ कीजिएगा केक में। तो अब मैं यहाँ पे ना गोल्डन कलर के जो एडिबल स्प्रिंकल्स आते हैं ना, वो भी यहाँ पे छिड़क रहा हूँ, और कुछ ना वेफर पेपर वाले ना बटरफ्लाइज आते हैं एडिबल वाले, वो यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मैंने फ्रंट में ना एक बड़ा सा रोज़ रखा है, आप देख सकते हो, बाकी सब रोज़ छोटे हैं, और आगे की तरफ जहाँ मैंने बटरफ्लाई लगाया है ना, वो रोज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने ना जानबूझ के फ्रंट की तरफ ना एक बड़ा सा रोज़ रखा था, आप चाहो तो सब इक्वल रोज़ बना के भी ना रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ना ये एडिबल वाले जो बटरफ्लाई आते हैं वो लगा दिए हैं। अब साइड में भी ना मैं गोल्डन कलर के ना कुछ स्प्रिंकल्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट हमारी केक बन के रेडी हो गई है। अगर ये केक की डिज़ाइन ना आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमी है, मैं अगली बार ना इसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। पर अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरी वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। और हाँ, मैंने ऐसी ही ना बहुत सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस ना अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं, जाकर ज़रूर देखिए। जय भोलेनाथ। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।